Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. तो हमेशा स्टूडेंट्स के दिमाग में जो नेट पर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में एक सवाल होता है कि सर व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आफ्टर आर पोस्ट ग्रेजुएशन इन नेट। एंड ऑल्सो उनके दिमाग में एक सवाल होता है कि सर अगर हम पीएचडी करना चाहते हैं फ्यूचर में तो क्या हमें कौन सी ऐसी पोजिशन पे काम करना चाहिए, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज को यूज करना चाहिए जिसके बेसिस पे हम अपनी फ्यूचर की जो प्रोफाइल है, करियर ओरिएंटेड प्रोफाइल जो है उसको स्ट्रांग बना सकते हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज लेके आया हूं मैं, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, विच इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट, आई थिंक बेस्ट ही कहना होगा इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट डोमेन, तो वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है। उसने एक प्रोफाइल निकाली है, दैट इज रिसर्च एसोसिएट। तो रिसर्च एसोसिएट के लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है जिसके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो वैकेंसी है वो रिसर्च एसोसिएट की प्रोफाइल के लिए निकली है एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 2021। तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि किस एरिया में या फिर किस टॉपिक के लिए ये प्रोफाइल निकाली गई है। सो द टॉपिक दैट दे हैव मेंशनड इज विमेन रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड और विमेन लीडरशिप। आई एम श्योर कि आप सबने पढ़ा होगा कि जो कंपनीज एक्ट है उसने एक प्रोविजन निकाला था इन द ईयर 2013 दैट फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट ऑफ वन वुमेन डायरेक्टर वॉज मेड मैंडेटरी। तो प्रोबेबली उसी एरिया के अंदर रिसर्च की जाएगी कि व्हाट हैज बीन इट्स इंपैक्ट एंड विमेन लीडर्स के होने से क्या इंपैक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो ये तो बात हो गई टॉपिक की, अब बात कर लेते हैं दैट व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड और व्हाट आर द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। तो सिंस ऑब्वियसली बात है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में अप्लाई कर रहे हैं आप, तो जो थोड़ी सी स्किल्स रिक्वायरमेंट होगी वो थोड़ी सी अच्छी लेवल की होगी। तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने एमए कर रखा है, एमबीए कर रखा है या फिर अगर आपने पीएचडी डिग्री हासिल कर रखी है इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेज एक्सेट्रा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, स्किल सेट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड है कि कैंडिडेट जो है वो स्किल्ड होना चाहिए स्टाटा एंड एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में। ये तो वो सॉफ्टवेयर हैं जो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। सेकेंड स्किल रिक्वायरमेंट क्या है कि क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस करने के लिए, सो स्टाटा और एसपीएसएस तो क्वांटिटेटिव के लिए यूज होते हैं, बट अगर हम क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के बारे में बात करें तो उसमें दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एनवीवो एंड एटलस, जिसमें भी आपकी एक्सपर्टीज नॉलेज रिक्वायर्ड करी गई है यहाँ पे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्योंकि आप डेटा एनालिसिस करेंगे, डेटा पे काम करेंगे, तो पैनल डेटा के ऊपर एंड डेटा से रिलेटेड सारी एनालिसिस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में जानकारी होगी जो कि हमने रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ा था, दैट इज डेटा आर ऑफ 3 टाइप्स, टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल एंड पैनल डेटा। तो यहां पे आप पैनल डेटा के ऊपर काम करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी रिसर्च एसोसिएट का या रिसर्च प्रोजेक्ट का वो ये होता है कि आपको अल्टीमेटली लिटरेचर रिव्यू करके, डेटा एनालिसिस करके रिसर्च पेपर्स लिखने हैं या रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है, तो उसमें भी आपकी अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब राइटिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए एंड आपको अच्छे से लिटरेचर रिव्यू भी करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोजेक्ट टेन्योर। तो जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 6 मंथ्स का बताया गया है, बट अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री लगती है तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर लोकेशन क्या है। तो दो जो लोकेशन मेंशनड है प्रोफाइल के अंदर वो अहमदाबाद ही मेंशनड है, जहां पे आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाएंगी रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, बट आपको अपना अकोमोडेशन खुद देखना पड़ेगा। बट अभी करंट सिचुएशन, कोविड की सिचुएशन देख के हम ये मान सकते हैं कि जो ये प्रोफाइल होगी इसमें आपको वर्क फ्रॉम होम ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सबसे अच्छी चीज जो इन्होंने दी है अपने प्रोफाइल के अंदर कि इन्होंने प्रोफेसर का नाम दे दिया है, दैट प्रोफेसर प्रोमिला अग्रवाल इज गोइंग टू बी द वन जिसके अंदर आपको ये वर्क करना है या फिर जिसके अंदर आप एज अ रिसर्च एसोसिएट काम करने वाले हैं। तो यहां पे मैं स्टूडेंट्स को यही सजेशन दूंगा कि आप इस प्रोफेसर की, मैम की प्रोफाइल को अच्छे से देखें, अपने इंटरेस्ट एरिया से चेक करें कि क्या आपका भी जो रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है वो भी सेम टॉपिक में है, ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। अब आपके दिमाग में होगा कि सर कॉम्पेंसेशन क्या होगा। तो कॉम्पेंसेशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बट इट हैज बीन सेड दैट इट इज गोइंग टू बी नेगोशिएबल बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो अगर आपने पीएचडी किया हुआ है एंड आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है इन सारे एरियाज में काम करने का, इन सारे स्किल्स में काम करने का, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी भी हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो जो लास्ट डेट है वो 15 जून है, तो प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक, ये जो एरिया है, ये आपके इंटरेस्ट का है, तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई, बिकॉज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट जहां पे आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर एंड लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा।
जो इस पूरी नोटिफिकेशन की डिटेल्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, साथ साथ मैंने वहां पे वो भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जिससे आप डायरेक्टली इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यू शुड नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड डू अप्लाई इफ दिस सूट्स योर रिक्वायरमेंट। थैंक यू एंड टेक केयर।